एक के बाद एक रिलीफ। पिशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत देते हुए 14 रोज तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसील के लिए केस की समाअत की। वकील बुशरा बीबी ने कहा कि बुशरा बीबी के खिलाफ चारों सूबों में मुकदमात दर्ज हैं, लेकिन मुकदमात मालूम नहीं, तफसील फराहम करके गिरफ्तार न किया जाए। वजीर आला KPK की फिर मुल्क बंद करने की धमकी। कहते हैं मुल्क के हालात खराब किए जा रहे हैं, हर नया दिन अवाम के लिए मुश्किलात ला रहा है, इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी। अदालत ने अडियाला जेल के हुक्काम से 31 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। मुल्क भर में जलसे होंगे, PTI इजलास में हतमी मंजूरी। पार्लिमानी कमेटी ने आईनी तरामीम के मामले पर पार्टी से बगावत करने वाले अराकीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मुल्क भर में जलसों के शेड्यूल समेत एहतजाजी तहरीक चलाने पर जोर। स्पीकर कौमी असम्बली ने जुडिशियल कमीशन की तश्कील 9 के लिए हुकूमत और अपोजिशन से नाम मांग लिए। 26वें आईनी तरामीम के तहत जुडिशियल कमीशन की तश्कील 9 के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने जुडिशियल कमीशन का कयाम अमल में लाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादर पटेल ने कहा है कि अपोजिशन के 5 अरकान ने वोट दिए, जबकि हम चाहते तो अपोजिशन के 50 अरकान भी वोट देने को तैयार थे। कौमी असम्बली में PTI के रुकन शेर अफसर मरवत की तकरीर के जवाब में अब्दुल कादर पटेल ने कहा कि हमें कहा गया है कि आईनी तरामीम हम नहीं कोई और लाया। मुस्लिम लीग नून को PP के खिलाफ IGI के तौर पर लाया गया, ताहम नून लीग ने वक्त के साथ सबक सीख लिया। अहम सफारती मिशन, वजीर आजम की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दौरा सऊदी अरब के दौरान अहम मुआहदों का इम्कान। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब भी वजीर आजम के हमराह। दोनों ममालिक के दरमियान इक्तसादी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर बातचीत होगी। इक्तसादी तवानाई और दीगर शोबों में दो तरफा तआवुन के इम्कानात का जायजा भी लिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम रियाज में मुनक्किद होने वाली फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के 8वें एडिशन में शिरकत करेंगे। काबीना के अहम अरकान भी वजीर आजम के हमराह हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान मुसलसल कई रोज से बरकरार है। आज भी बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स 961 पॉइंट्स इजाफे से तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इसराइल जारहत में तमाम हदें पार कर गया। फलस्तीनी पनाह गजीनों की गजाई इमदाद में भी रुकावट बन गया। इसराइली पार्लियामेंट ने फलस्तीनी पनाह गजीनों के लिए काम करने वाले अक़वामे मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। आलमी मीडिया के मुताबिक इसराइली इकदाम से गजा में इंसानी इमदाद की तकसीम का पहले से कमजोर अमल मुकम्मल तौर पर खत्म होने का खदशा है। पाकिस्तानी खातून डॉक्टर को मालदीव में मुलाजमत और वर्क वीजा दिलाने का जानसा देकर रकम हथियाने का स्कैंडल का इंकशाफ। FIA इंतदादे इंसानी स्मगलिंग सेल ने मालदीव में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर बदर मुनीर अवान और पाकिस्तान में मुकीम इसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जिला पंचकोर में डैम की देखभाल पर मामूर 5 अफराद कतल। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। कोटरी जंक्शन पर सखर से कराची जाने वाली मुसाफिर ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। सखर एक्सप्रेस कराची जा रही थी कि कोटरी जंक्शन पर हादसा पेश आ गया। कराची में फ्लैट से एक शख्स की 3 से 4 रोज पुरानी गोली लगी लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक डिफेंस फेज 5 तोहीद कमर्शियल में फ्लैट से 3 से 4 रोज पुरानी लाश मिली। मकतूल के जिस्म पर गोली का निशान है, शनाख्त गनी उर रहमान के नाम से हुई है। मुर्गियों के तनाजे पर मुअम्मर शख्स कत्ल। गली में मामूली तनाजे के बाद लड़ाई तूल पकड़ गई। मुर्गियों को डरबे में बंद करने का हुक्म देकर मोहल्लेदार ने कीमती जान ले ली। अंधे कुएं की गुत्थी सुलझ गई। आखिर इसे अंधा कुआं क्यों कहते हैं? नौहार में एक सदी पुराना कुआं सयाहों को अपनी जानिब खींचने लगा। कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्जाम में गिरफ्तार ईमान मिजारी की अदालत में पेशी। इंतदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने केस की समाअत की। पुलिस की जानिब से मुलजमान की 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 27वीं तरामीम का शोशा 26वें से तवज्जो हटाने के लिए छोड़ा गया है। कहते हैं भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुसलमानों का कातिल है, जबकि नवाज शरीफ और इनकी बेटी मोदी से मुलाकात के लिए बेताब है।
मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि मरियम नवाज किसान कार्ड खेलना बंद करें। एक बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि मरियम नवाज किसानों को जवाब दें कि इनकी गंदम क्यों नहीं खरीदी, किसानों को 30 अरब रुपए का टीका लगाने वालों को अहम ओहदे पर क्यों बिठाया है। टेस्ट क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन साउथ शकील का कहना है कि हमने स्पिन विकेट का फायदा उठाया और इंग्लैंड को दोनों मैचेस में शिकस्त दे दी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साउथ शकील ने कहा कि हमने तैयारी पूरी की थी, बतौर क्रिकेटर हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ और पाकिस्तान जीता। अमेरिका में 5 नवंबर को सदारती इंतखाबात से एक हफ्ता कबल वाशिंगटन में वैनकोर में नस्ब 3 बैलेट बॉक्सेस में आग लगने से सैकड़ों वोट तबाह हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दोनों शहरों में 2 बैलेट ड्रॉप बॉक्सेस को आतिशगीर मादे के जरिए आग लगाई गई। माहिरा खान की फैशन शो में दबंग एंट्री, रैंप पर पुरजोश अंदाज में वॉक वायरल। मद्दाहों की जानिब से खूबसूरती की तारीफ, नातिदीन ने भी अपना हिस्सा डालते हुए कैट वॉक पर तनकीद शुरू कर दी। और किंग खान का बेटी के साथ डांस वायरल। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ पेजेस पर वायरल तस्वीर में सुहाना खान को एक इवेंट के दौरान स्टेज पर शाहरुख खान के साथ डांस करते देखा जा सकता है। दोनों नए फिल्म की प्रमोशन के लिए शरीक थे।